شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

असारब कुमकफ्रन कुम सत कम विलकुम जन्नातिन तजरीन तहतिहल अनहार नाज्र मोहतरम अल्लाह तबारक के मुबारक और मेहमानी के इस महीने में हम सब इकटे हैं और इस दस्तरखान से फेस हासिल करने की कोशिश करते हैं खुदा हमें इस बाबरकत महीने में इस महीने की जो फजीलतें हैं इन फजीलतों को हासिल करने की खुदा हमें तोफ़ी और इनायत अता फरमाए देखिए जिस आए मजीदा को मैंने सरनाम कलाम में तिलावत की इस आए मजीदा और इस जैसी दूसरी आयत जो क़ुरान के अंदर दस दसवें आयत हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व ताल अपने बंदगान को मोमिनीन को अस्तगफ़ार करने और तोबा करने के ऊपर तरगीब दी है और हुक्म फरमाया है और इसी तरीके से जिन जो लोग अल्लाह के दरगाह में नहीं आते हैं अल्लाह के बख्श अल्लाह के सामने अपना बख्शिश का इजहार नहीं करते हैं उन लोगों की मजम्मत की गई है और उन लोगों को अजाब इलाही से डराया गया है तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक वाली वह जद है जो मांगने पे जो है मांगने पे उससे कोई मांगे तो मांगने पे नाखुश नहीं है और न मांगने पे वो नाराज़ है वो करीम ज़ात है ऐसे करीम जद की दरगाह में इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो स्तगफफ़ार करे वो अपने गुनाहों को बयान करे अल्लाह की दरगाह में और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए उनसे तक, तलब मगफरत करे ये इंसान की ज़िंदगी में स्तगफ़ार की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है स्तगफफ़ार एक ऐसा अनसर है जिसकी तवसत से इंसान अपने मकामात को बुलंद कर सकता है जैसे कि माह मुबारक रमज़ान के आज पाँच पाँच फिर माह मुबारक रमज़ान के जो दुआ है उस दुआ के अंदर अल्लाह तबारक से जो है इस अंदाज में सवाल किया जाता है उससे बख्शिश की दरख्वास की जाती है जिसमें आप दुआ करते हैं कि अल्लाह मज आलनी फ़ी ही मिनलमस्तक खुदाया मुझे अस्तगफ़ार करने वालों में से आज के इस दिन में करार दे यानी ये इस दुआ के पहला जुमला है कि मजालनी फ़ी ही मिनल वजा अल्नी फ़ी ही मिन इबाद कसालकानतीन का वज्नी फ़ी ही मिन अलियाः इकलमकरबीन बराफ़त कया अरहमर इस दुआ के अंदर भी जो है आपने देखा कि ये दुआ इस्तगफफ़ार के तौर पर बयान हुआ है स्तगफ़ार करने की इसके अंदर तरगीब है और फरमाते हैं कि अहम अल्निफ़ी ही मिनल मस्तकफ़रीन मुझे आज के इस दिन में इस्गफ़ार करने वालों में से करार दे अब पस इस ये दुआएँ अहलबेद के कलमात के अंदर जो दुआएँ हैं या कुरानी जो आयात हैं उन आयात में दसवीं जो आयात हैं जिनके अंदर जो है तूब अल्ला तूब अलही इस तरह की आयात जो हैं बेकसरत मौजूद हैं तो इससे ये पता चलता है कि अस्तगार जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये स्तगफफ़ार दरक़ीक़त में बख्शिश तलब करने अपनी कोताहियों से इस करीम ज़ात की बारगाह में पेश होने का नाम है स्तगफफार तो अस्तगफार जब इंसान करता है और ये बिलखसूस माह मुबारक रमज़ान जो माह मुबारक रमज़ान है ये बहुत ही बेहतरीन मौका और गनीमत है इंसान के लिए कि वो इस दिन इस माह मुबारक रमजान के अयाम और इस माह मुबारक रमजान की रातों में इंसान खुदा के हुजूर में जाए अपने गुज्त गुनाहों को तोबा करे उन गुनाहों से स्तगफार करे अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि अस्तगफार क्या है अस्तगफार का मतलब ये नहीं है कि हम शुरु ज़बानी कह दें अस्तफ़िरल्लह अस्त ये अस्तगफ़र ये जबानी अस्तगफार है ये ज़बानी अस्तगफार भी अपनी जगह में इसकी भी ज़रूरत है क्यों इसलिए कि इंसान जब अस्तगफार ज़बानी जिसको कहते हैं अस्तगफार कोली जब कोली तौर पर इंसान अस्तगफार करता है तो खुदा व तबारक तल जो है ये इनायत और ये रहनुमाई करता है कि वो इसगफफ़ार है फैली और अमली में भी वो आ, को, आ, कोशिश करे और इसमें कामयाब हो जाए तो लिहाजा स्तगफफ़ार कोली इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि उसकी कोई जो है हकीकत ना हो स्तगफफ़ार कोली जो है वो अस्तगफ़ार फैली के लिए दर हकीकत में मुकदमा है तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो स्गफ़ार करे और इन हम आइंदा जो है वीडियोस में इस सिलसिले में आपको बयान करेंगे कि ये माह मुबारक रमज़ान में जो हकीकी माने में इंसान जो है खुदा के सामने हाजिर है जिस मकदार में मुमकिन है कि वो तलाश करे अपने गुज्त गुनाहों की तलाफी करे और अस्तगफार का हकीकी पहलू ये है हकीकी माना ये है कि इंसान जिन लोगों की आ, उसने आ, जो गुनाह किया है इससे पहले किसी की हक मारा है किसी के किसी की आ, किसी की जायदाद उठाई है नाहक किसी के ऊपर जुल्म किया है किसी की आ, जो है शख्सियत कुशी की है तो उस वक्त इस इंसान अस्तगफार का सही मफहूम ये है कि वो अब उसकी लुटाई उसकी छीनी हुई माल उस तक पहुँचा दें और उसकी जो उसकी जो जिस आ, किसी सिंमे में किसी भी तरीके से उसकी अगर उसने उसके ऊपर म किया है तो उसकी म की तलाफी करे और अगर उसकी शख्सियत कुशी की है तो उससे माफ़ी और उसे बख्शिश तलब करे ये है स्तगफफ़ा रकीी जो जिससे अस्तगफ़ा अमली कहते हैं और इसी से अल्लाह तबारक व ताली उसके गुनाहों को बख्श देता है तो आज के इसी दिन हम दुआ करते हैं कि खुदा तबारक वाली हमारे जो सबका गुना हैं जो भी हमने गुना किए हैं अल्लाह के दरगाह में आकर इन गुनाहों को बख्शवाने की हमें तोहफ़ी क़ा फरमाए